हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे द टर्मिनल लिस्ट, जो कि रिलीज हुई अमेज़न प्राइम वीडियोस पर। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 54 मिनट से लेके 65 मिनट के बीच में। ये काफी लंबे लंबे एपिसोड्स है यार। ये वेब सीरीज का रिव्यू करने में यही थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि इतने बड़े एपिसोड इतने बढ़ते, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। और इसमें हमें नजर आते हैं क्रिस प्रैट, जो कि सबके फेवरेट है हमारे इंडिया में। कहानी स्टार्ट होती है क्रिस प्रैट से, जिसका इस शो में नाम है जेम्स रीस, जो कि नेवी सील कमांडर है। अब ये अपने प्लेटून के साथ एक मिशन पे जाते हैं सीरिया में। अब उस मिशन के दौरान इनके साथ की डेथ हो जाती है, लेकिन रीस और उनका एक साथी बच जाता है। अब मिशन फेलियर होने के बाद रीस की लाइफ किस तरह से बदलती है, कैसे उनके दिमाग में केमिकल लोच होता है और उस केमिकल लोचे से वो रियलिटी और ड्रीम के बीच का डिफरेंस को भूल जाते हैं, कैसे इनका एक पर्सनल लॉस भी होता है, वो सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। देखिए यार, इस शो के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि टट्टी चाहे छोटी हो या टट्टी बड़ी हो, टट्टी टट्टी ही होती है। सॉरी यार, लेकिन इस तरीके की कहानी पे हॉलीवुड ने बहुत सारी मूवीज बनाया, तो ये पर्टिकुलर शो बनाने की क्या जरूरत। शो में स्टार्टिंग के, यार ये बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो की स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है। वो जो टनल वाला एक्शन सीन है वो बहुत बढ़िया है, उसके बाद शो आगे भी अच्छी तरह से बढ़ता है, लेकिन आफ्टर टू लॉन्ग एपिसोड्स हमें चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाती है, और चौथे एपिसोड के बाद तो चीजें प्रेडिक्टेबल हो जाती है। और जो मेरी तरह ऑडियंस, जिन लोगों ने हॉलीवुड की मूवी ऐसी देखी जैसे कि आप लोग डेली काम करते हो, तो उनको तो भाई ये कहानी एकदम फेमिलियर लगी कि हाँ यार, ऐसी तो हमने बहुत बार देखे। वही कॉन्स्पिरेसी चलना, वही हीरो को फ्रेम करना, फिर हीरो अपनी फैमिली का बदला लेगा, लास्ट में बस वो एक रिवेंज थ्रिलर बन जाएगी, बस वही सारी चीजें भाई इसके अंदर। कैरेक्टर्स की बात करते तो यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स तो है नहीं, मेन जो जेम रीस है उस कैरेक्टर को अच्छी तरह से लिखा गया, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है और नेगेटिव कैरेक्टर्स है उनको भी ठीक ठाक से रखा गया। एक्शन की बात करो तो यहाँ पर ज्यादा एक्शन तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन जितना भी एक्शन है बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया, बहुत अच्छी तरह डिजाइन किया, ऑडियंस को देखने मजा आता है। लेकिन वो जो ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी ना कि भाई क्रिस प्रैट इसमें एक्शन एक ऑल टुगेदर अनदर लेवल का होगा, तो वो लेवल तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट मुझे बहुत अच्छे लगे, फायरिंग के सीन काफी अच्छे लगे मुझे, एंड जो इसका इमोशनल एंगल है पूरे शो का वो काफी ज्यादा टची है, वो आपके दिल को बहुत ज्यादा छुएगा। और वो इमोशनल पार्ट जितने भी है वहां पर तो भाई मजा आ जाता है। लेकिन अब इमोशनल सीन्स की बात आई है तो क्रिस प्रैट के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई इस तरीके की इमोशनल रोल वो नहीं कर पाते ठीक तरीके से। मतलब जब वो एक सैड फेस बनाती है, वो इमोशनल फेस बनाती है, तो हमको ऐसे लगेगा अभी हंसने लगेगा, क्योंकि हमने इसको गार्डन ऑफ द गैलेक्सी एमसीयू की दूसरी मूवीज में देखा है, तो वो एक कॉमिक अवतार में देखा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो उनका जो इमोशनल रोल है वो डाइजेस्ट नहीं होता। और इस तरह के रोल में अगर हॉलीवुड के कोई दूसरे एक्टर मुझे समझ में आता तो वो है डेंजल वॉशिंगटन। वो ऐसी मूवीज भी कर चुके, इसी तरह की मूवीज कर चुके और उन्होंने बहुत ही गजब का काम किया। तो यहाँ पर मिस कास्ट बोलूंगा मैं क्रिस प्रैट को, क्या इस पर्टिकुलर रोल के, जो कि अच्छा नहीं लगा। एंड शो का डायरेक्शन भी अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन चीजों को उसे जबरदस्ती ड्रैग किया है। और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कहानी पर 2.5 घंटे की मूवी बन सकती थी वेब सीरीज बनाने के अलावा। दूसरे एक्टर्स की बात करूँ तो भाई क्रिस प्रैट के बारे में तो बता चुका, लेकिन उसके बाद जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स उन लोगों ने ठीक ठाक काम किया, तो मेरे हिसाब से ये डिसेंट वॉच अगर आपको देखना है तो। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में आपको वो ट्विस्ट फील होगा, लेकिन उसके बाद काफी चीजें प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग के 2 एपिसोड देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कंटिन्यू करने के लिए तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप लोग उसको स्किप भी कर दोगे तो कोई बहुत बड़ा डील नहीं हो जाएगा। पेरेंटल गाइडेंस में बोलूंगा इसमें कुछ ज्यादा मुझे अश्लील सीन नजर नहीं आए हैं। मैं इसको रेटिंग दूंगा 6/10। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।